हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसे मैं आपको आज शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, शिक्षकों के 37,000 पदों पर होगी भर्ती। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कहाँ होने वाली है भर्ती और कैसे होगी। तो यहाँ पे देखिए, प्राथमिक से मध्य तक स्कूलों में होगी नियुक्ति। आदर्श आचार संहिता लागू करने के बाद रुकी थी प्रक्रिया। प्रयागराज प्रमुख संवाददाता विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के कारण रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। सरकारी स्कूल में शिक्षकों के 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द शुरू होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी। सरकार ने 24 दिसम्बर को 68,500 और 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बाद खाली 17,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। लेकिन इससे पहले कि विज्ञापन जारी होता, 8 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, जिसकी वजह से ये भर्ती रुक गई थी। तो यहाँ पे होने वाली है शिक्षकों की 37,000 पदों पर भर्ती। यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हर जगह भर्ती होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे ना तो जेटेट कंडक्ट कराया जा रहा है, ना तो सीटेट वालों को यहाँ पे जेटेट के बराबर मान्यता दी जा रही है। सरासर नाइंसाफी कर रही है हमारी जो गवर्नमेंट है। अब पता नहीं चल रहा है कि वो चाहती क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ट्विटर के माध्यम से जेटेट वाले आंदोलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीटेट वाले भी जो कि पास हुए हैं, अभी अभी जो सीटेट कैंडिडेट पास हुए हैं, वो उन्हें पास होके क्या फायदा होगा, वो तो गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पा रहे हैं। तो वहाँ पे जेटेट कंडक्ट नहीं कराए, इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे झारखंड सरकार की है। और यहाँ पे झारखंड सरकार की गलती है, तो उसे अपनी गलती सुधारनी चाहिए, उसे सीटेट वालों को भी मान्यता देनी चाहिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सीटेट वाले कैंडिडेट भी ट्विटर के माध्यम से उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाए कि सीटेट वालों को भी जेटेट के बराबर मान्यता दी जानी चाहिए, वो जो वैकेंसीज आएंगी उसमें इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। और सबसे पहले वैकेंसी से पहले जेटेट कंडक्ट कराया जाए, बिकॉज जितने भी बीएड डीएलएड कैंडिडेट हो वो उनको भी मौका मिले, जो 2016 के बाद जेटेट का एग्जाम नहीं दिए हैं, सीटेट पास करके बैठे हैं। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे पता नहीं ये गवर्नमेंट हमें पागल बना रही है, बेवकूफ बना रही है। जो मैं बोल रही हूँ इसे आप जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप क्या चाहते हो ये बोलिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और अभी तक इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर मैं आपके ही झारखंड के ऑल ब्लॉक की न्यूज देती हूँ, और झारखंड की टोटल टीचर की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देती हूँ। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ आपसे मिलेंगे।